कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए शासन द्वारा लगाए गए आंशिक कर्फ्यू का असर रात में भी देखने को मिला। महानगर के 41 स्थानों पर बैरिकेडिंग कराकर पुलिस रात्रि में भी कर्फ्यू का पालन करा रही है। इस दौरान महानगर के यातायात चौराहा, पटेल चौक, गणेश चौक, रीजनल स्टेडियम रोड, चेतना तिराहा सहित अन्य जगहों पर सन्नाटा रहा, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि आंशिक कर्फ्यू में जहां दिन में भी पुलिस वाले मुस्तैद होकर कर्फ्यू का पालन करा रहे हैं, वहीं रात्रि में भी लगातार कर्फ्यू का पालन कराया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि कर्फ्यू का पालन करें, नहीं तो कोविड महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, देखिए शहर में टोटल 41 जगह पर बैरिकेडिंग की गई है, इसमें ड्यूटियाँ बढ़ाई गई हैं। अब हर जगह एक एक सब इंस्पेक्टर की भी ड्यूटी लगाई जा रही है ताकि वो चालान काट सके। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस को भी साथ में इन्वॉल्व किया जा रहा है, ट्रैफिक पुलिस के भी लोग चालान करेंगे, ऐसी उनकी पावर दी गई है, उनको आदेश भी दिया गया है और सख्ती से इसका पालन किया जाएगा। देखिए समय अवधि कुछ नहीं है, पूरे दिन का ही लॉकडाउन चल रहा है अभी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, मास्क का चालान भी हो रहा है और साथ में मुकदमे भी 188 धारा के अंतर्गत महामारी अधिनियम के अंतर्गत उनकी धाराएँ की उचित धाराओं में भी मुकदमे पंजीकृत किया जा रहा है। देखिए पुलिस कर्मियों के लिए जो है एक अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जहाँ पे भी कोई भी समस्या आती है उनको वहाँ शिफ्ट किया जाता है ताकि वो रिकवर करते हैं, तभी उनकी ड्यूटी ली जाती है। कोरोना टेस्ट सबका कराया जाता है। इसके अतिरिक्त हम सबको मास्क देते हैं, आज ही गोरखनाथ मंदिर में जो पुलिस कर्मी लगे हुए हैं उनको मास्क वितरित किया गया। जगह जगह जाकर सबको दवाइयाँ दी गई, मल्टीविटामिन्स दिए गए और प्रिवेंटिव मेडिसिन वगैरह भी दिए जा रहे हैं और हम सब इसमें लगे हैं, उनको मास्क सैनिटाइजर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। जनता से मेरा ये अनुरोध है कि हम सबको मिलकर इस बीमारी से लड़ना है। आप लोग घर से बाहर ना ही निकले, कम से कम निकले, अगर सिर्फ आवश्यक वस्तु लेनी हो तभी निकले, और अगर कोई बीमार हो आपके परिवार में, अगर कोई दवाई लेनी हो तभी बाहर निकले, अन्यथा घरों में ही रहें, घरों में भी प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और पौष्टिक आहार लें और जितनी प्रिवेंटिव दवाइयाँ हैं वो भी खाते रहें और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करते रहें, क्योंकि इम्यूनिटी जो है आपको अंदर से ही लानी, तो ये सब करें और इस महामारी से आप भी लड़ें और हम सब इस महामारी से विजय प्राप्त करें।